हे गाइस, स्वागत है सबको और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं एंड्रॉयड 12 का ऐसे एक थीम पैक लेकर आया हूँ जो बिल्कुल नया है और मैंने इसको बहुत सारे कस्टमाइज किया है। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये जो थीम पैक। और अगर आपके पास रियलमी वाई 1.0 या फिर रियलमी वाई 2.0, सभी में ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। बिल्कुल फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हो आपका रियलमी या फिर आपका ओप्पो का डिवाइस में। तो गाइस, इसमें मैंने हर एक छोटे छोटे बात को ध्यान में रखा और इसमें बहुत सारे मैंने कस्टमाइज ऐड किया। गाइस, रियलमी डिवाइस में जो प्लेनेट वाला चार्जिंग एनिमेशन है वो बहुत सारे यूजर को पसंद नहीं आता है और अभी वो बहुत ज्यादा पुराना भी हो चुका है। इसलिए दोस्तों, मैंने इस थीम पैक के साथ एक न्यू चार्जिंग एनिमेशन ऐड किया है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एंड्रॉइड 12 का वॉलपेपर के साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। तो गाइस, आप इस थीम पैक को जरूर ट्राई करना। और इसमें मैंने एक नया फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी ऐड किया है। अगर आपका डिवाइस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है तो उन सभी डिवाइस के लिए मैं एक न्यू फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी ऐड किया है जो आपका फोन का लुक बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्किप बिल्कुल ही मत करना। आपको मैं बताऊंगा आप कैसे आपका रियलमी या फिर आपका ओप्पो का डिवाइस में आप इस एंड्रॉइड 12 थीम पैक को बिल्कुल फ्री में लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कोई भी 5 मिनट ट्रायल देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो थीम पैक है आपको कहां पे मिलेगा, आपको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो उस थीम पैक को, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो बनने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस जाओ फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस आप जरूर जगह चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रोजाना इसी चैनल में देखने को मिल जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में प्रेस कर देना। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस थीम पैक को अप्लाई करने के पहले आपको एक बात ध्यान में रखना होगा। ये जो थीम पैक है ये डार्क मोड में काम नहीं करता है। तो गाइस, अगर आपका डिवाइस में डार्क मोड है तो आप पहले लाइट मोड में आ जाइए। लाइट मोड में स्विच होने के बाद अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो थीम पैक है इसका लिंक मैंने डाल दूंगा, मेघा का भी डाल दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी इसका लिंक मैंने डाल दूंगा। दोनों का लिंक है, आप जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप मेघा से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, आप पहले इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इसी तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड 12, तो आपको नीचे में देखिए आपको ट्राई मी और बाय का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आप ट्राई मी ऑप्शन में क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस देखिए ये जो थीम पैक है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है आपका डिवाइस में और आपको 5 मिनट ट्रायल का भी ऑप्शन देखने को मिल चुका है। और मेरा डिवाइस में ये जो थीम पैक है सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो गाइस, थीम पैक अप्लाई करने के बाद आपको इस थीम पैक को फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए आपका डिवाइस में आपको आईमोड प्रो को डाउनलोड करना होगा। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जस्ट आपको iMode Pro एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको देखिए बिल्कुल ऊपर में एक राउंड का सर्कल देखने को मिल जाएगा, ग्रीन या फिर ब्लू कलर का। आपको जस्ट इनमें 2 या 3 टाइम स्टेप करना है। यहाँ पे देखिए परमानेंट एक्टिव का ऑप्शन आ चुका है। आने के बाद आपका डिवाइस में बैकग्राउंड में जितने सारे एप्लीकेशन है सबको आपको क्लियर ऑल में क्लिक कर देना है। क्लियर ऑल में क्लिक करने के बाद ये जो थीम पैक है ये परमानेंटली फ्री में अप्लाई हो चुका है लाइफ टाइम के लिए। तो गाइस, अगर आपका डिवाइस में ये नहीं होता है तो उसके लिए एक वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो है। वहां पे मैंने एक बिल्कुल फ्री में आप कैसे पेड थीम को पेड फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हो उसका मैंने बेहतरीन एक ट्रिक्स बोला हूं। ऊपर आई बटन में मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप जाके जरूर देखना। Realme UI 1.0 या फिर Realme UI 2.0 दोनों वीडियो है, आपका डिवाइस में जो इंस्टॉल है आप जाके उस वीडियो को देख लेना। तो गाइस, ये जो थीम पैक है परमानेंटली फ्री में अप्लाई हो चुका है। फ्री में अप्लाई होने के बाद गाइस आपको विजेट इधर से ऐड करना होगा। तो विजेट ऐड करने के लिए मैंने और एक का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपल से उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट विजेट सेक्शन में जाना होगा नीचे की तरफ। तो गाइस देखिए, मैं भी यहां पे विजेट सेक्शन में चला जाता हूं। तो आपको जस्ट विजेट सेक्शन में जाना होगा और आपको बिल्कुल लास्ट में एंड्रॉइड 12 का आपको विजेट देखने को मिल जाएगा उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद। तो गाइस देखिए, यहां पे आपको एंड्रॉइड 12 का बहुत सारे जो विजेट या फिर जो क्लॉक आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहां पे देखिए, तो मैं इस वाला को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको बिल्कुल ऊपर में ये जो विजेट देखने को मिल जाएगा, आपको जस्ट इसको ड्रैग करना है और आप आपका खुद का मुताबिक इसको कस्टमाइज कर दीजिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सेट हो चुका है। और गाइस देखिए, आपका फोन का लुक देखिए यहाँ पे बिल्कुल एंड्रॉइड 12 जैसा हो चुका है। तो गाइस, इसका नोटिफिकेशन पैनल देखिए आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। आप फिलहाल यहाँ पे बैटरी का आइकॉन भी देख लीजिए। मैंने हर एक चीज हर एक छोटे छोटे मैं इसको कस्टमाइज किया है। और गाइस, इसका सेटिंग भी देखिए आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा।
एंड्रॉयड 12 जैसा आपको लुक देखने को मिल जाएगा। और गाइस इसका वॉलपेपर देखिए, मैंने एंड्रॉयड 12 का वॉलपेपर इधर से ऐड किया है, आप फिलहाल देखिए पे बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस इसके साथ साथ मैंने एक नया चार्जिंग एनिमेशन भी इधर से ऐड किया है, आप फिलहाल यहाँ पे देखिए मैं चार्जिंग प्लग को यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ। तो गाइस देखिए ये जो चार्जिंग एनिमेशन है आपका फोन का लुक अलग लेवल का लेके जाता है। बहुत सारे यूजर का जो प्लैनेट वाला चार्जिंग एनिमेशन है वो पसंद नहीं आता है और वो बहुत ज़्यादा पुराना भी हो चुका है, इसलिए मैंने एक नया चार्जिंग एनिमेशन ऐड किया है, आप देखिए बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों मैंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी एक ऐड किया है न्यू एनिमेशन के साथ। तो गाइस अगर आपका डिवाइस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है तो उसके लिए मैंने एक न्यू फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी ऐड किया है। तो गाइस फिलहाल मेरा डिवाइस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, मैं मेरा डिवाइस का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है उसको मैं डिसेबल कर लेता हूँ फटाफट, फिर आपको दिखाऊंगा जो नया मैं फिंगरप्रिंट एनिमेशन ऐड किया वो कैसे आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मेरा डिवाइस में फिंगरप्रिंट मैंने डिसेबल कर दिया हूँ और आप देखिए मैं जो नया फिंगरप्रिंट एनिमेशन इसमें ऐड किया आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, और इसका एनिमेशन भी देखिए बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक काम नहीं करेगा, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने इसको ऐड किया, इन सारे डिवाइस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है उन सारे डिवाइस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। गाइस देखिए ये जो फिंगरप्रिंट है काम नहीं करता है, लेकिन इसका एनिमेशन भी बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा और ये जस्ट यहाँ पे स्वाइप के लिए। दोस्तों और एक बात, आप अगर चाहते हो तो ये जो सर्च बार है ना इसको आप नीचे में बटन में भी आप इसको सेट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मेरे पास रियलमी XT डिवाइस है और आपको पता होगा रियलमी XT, X2 और रियलमी X डिवाइस में रियलमी Y 2.0 अपडेट के बाद ये जो सर्च बार बटन में जो एक ऑप्शन रहता है वो यहाँ पे नहीं है, गायब हो चुका है। तो अगर आपके पास रियलमी 3 प्रो 5 प्रो या फिर अदर्स कोई भी रियलमी डिवाइस है तो आप इस सर्च बार को नीचे में आप इसको सेट कर सकते हो। तो अगर ये नीचे में सेट होता है तो उसका लुक कुछ अलग हो जाएगा, तो आपको और भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था और आप नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर कमेंट करके बताना आपको ये एंड्रॉयड 12 वाला थीम पैक कैसे लगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आप ये भी कमेंट करके मुझे बताना नेक्स्ट टाइम मुझे कौन सा थीम बनाना चाहिए, आपका कौन सा थीम पसंद है, मैं आपका मुताबिक थीम पैक जरूर ले आने की कोशिश करूंगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो यार मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।